अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने में और किसी को सही सलाह देने में, इन दोनों में से अगर मुझे चुनने को कहा जाए तो मैं किसी को सही सलाह देना ही मंजूर करूँगा। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ, आप सभी लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, थंबनेल और टाइटल से आपको मालूम चल गया होगा कि किताबों से संगीत कितना सीखा जा सकता है और क्या सिर्फ किताबें पर्याप्त हैं, क्या क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्या हम किताबें खरीद लाएं और हम संगीत जैसा प्रैक्टिकल विषय, गुरुमुखी विद्या सीख सकते हैं। तो आज पूरा वीडियो देखिए और मेरा अपना ओपिनियन, अपना मत इस टॉपिक पर जानिए। बारह से हमारा YouTube चैनल चल रहा है और तब से मेरे पिताजी पंडित अवध किशोर पांडे जी, उनकी सानिध्य में हम सब ने, SPW की पूरी टीम ने, आप सभी लोगों तक वीडियोस पहुंचाए और जो कुछ हमें आता है, जहां तक हमारी पहुंच है, उन कलाकारों को बुला बुला कर ज्ञान आप सभी तक पहुंचाया। और इस ज्ञान पहुंचाने में या ज्ञान पहुंचाने के प्रोसेस में जो चीज़ डेवलप हुई, एक ग्रंथ की तरह डेवलप हुआ, हमारी संगीत की किताब मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे द्वारा लिखी गई और संकलित किताब स्वरांगिनी। स्वरांगिनी का इतना प्रमोशन हो चुका है इस चैनल पर और इतनी डिमांड है उसकी कि लोग बस उसकी PDF खरीदना चाहते हैं, PDF मंगाना चाहते हैं, हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं और हर आए दिन किताबें जो है यहाँ से बाई पोस्ट जाती हैं, लोगों तक पहुँचती हैं, PDFs लोगों तक पहुँचती हैं, लोग उसकी उसका शुल्क देते हैं और वो किताब ख़रीद लेते हैं। बहुत कम बाय द वे उनमें से ऐसे हैं जो क्लास भी ज्वाइन करते हैं। तो मुझे हल्का लगता है, हमेशा से लगता आया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा है कि लोगों को लगता है कि स्वरांगिनी ख़रीदने से जो ब्रह्म ज्ञान है संगीत का वो उन्हें मिल जाएगा। नो डाउट स्वरांगिनी में बहुत ऐसा मटेरियल है जो आपके काम आएगा, उसमें बड़ा सिस्टमेटिकली मेरे पिताजी ने हर चीज़ अरेंज करी है, अलंकार, ताल, पलटे, थाट, राग, आलापताने, बंदिशें, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराने, आलापचारी, रागों का स्वर विस्तार, सवाल जवाब, रागों की समता तुलना जो है, समता विभिन्नता, वो तुलनात्मक उसका एनालिसिस, वो सब किया हुआ है, जो कि मैंने बताया था अभी हाल ही में भी जो मैंने वीडियोस रिलीज़ किए हैं उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से उन्होंने राग परिचय जो कि एग्ज़ाम्स में इस्तेमाल होती है किताब, भातखंडे जी की जो क्रमिक पुस्तक मालिकाएं हैं वो जो 6 भाग हैं और भी अन्य कई किताबों में से उन्होंने ज्ञान बटोर कर, कुछ अपनी रिसर्च मिलाकर, खुद का अनुभव मिलाकर, खुद की उपज मिलाकर, कुछ अपने गुरुओं से लेकर उन्होंने संकलित किया और लिखा इस किताब को, क्योंकि उन्हें लगा कि एक पर्टिकुलर सिलेबस की ज़रूरत है और वो सिलेबस जो सिस्टमेटिकली अवेलेबल नहीं है, जो बिखरा हुआ है। रागें पहले सिखाई जा रही हैं, भोपाली भीमपलासी सिखाई जा रही हैं, शुद्ध पहले सुर न बता के पहले तीव्र मध्यम बताया जा रहा है, ऐसी कई चीज़ें हो रही हैं जो उनको अपने अनुसार ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने परिपाटी बदलने का सोचा कि मैं अपने सिलेबस से सिखाऊंगा, ऐसा उन्होंने सोचा और स्वरांगिनी की रचना करी। सभी लोग चाहते हैं कि स्वरांगिनी उनके पास हो। मैंने अभी हाल ही में फ्री ऑडियो लूप्स और फ्री PDFs जो हैं अवेलेबल कराई, जिसमें राग परिचय भी है, जिसमें क्रमिक पुस्तक मालिकाएं भी हैं, जिसमें कुछ अलंकार पलटों की PDFs हैं, तालों की अलग हैं, रागों को समय अनुसार विभाजित किया वो PDFs अवेलेबल हैं, बहुत सी अवेलेबल हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। वो किताबें भी लोग मंगा तो रहे हैं, क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे, न ऑनलाइन सीखना चाह रहे हैं न ऑफलाइन सीखने जा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो टेक्स्ट मटेरियल आप समझ लोगे जिसकी लिपि तक आपको पता नहीं है। संगीत की अपनी अलग लिपि है, नोटेशन सिस्टम अलग है जो भातखंडे जी ने बनाया है नॉर्थ इंडिया का, उसको समझने के लिए गुरु लगते हैं सबसे पहली बात तो। उसके बाद राग को किताब से कैसे सीखा जा सकता है, मुझे ये नहीं समझ आता। वो
जिसमें अपना एक स्वरूप है, जिसमें एक चरित्र है, किताब में सिर्फ उसका परिचय है। किसी इंसान के बारे में जानने के लिए उस इंसान से मिलना पड़ता है, उसकी प्रोफाइल पढ़कर आप उसे नहीं जान सकते। उसकी जानकारी मिल जाएगी कि हाँ, इसका नाम ये है, ये इस बैकग्राउंड से है, यहाँ से आया था, ये इसकी पढ़ाई है, ये इसकी हाइट है, वेट है, वगैरह वगैरह, सब उसमें इंटरेस्ट क्या है वो सब मालूम चल जाएगा। लेकिन वो सब जानकारी है, उस जानकारी के परे जो है वो है प्रैक्टिकल। मिलना पड़ता है रागों से, मिलना पड़ता है, और रागों से मिलाने में जो सहायक हैं वो गुरु हैं। रागों की स्वर संगति गुरु संगति से आती है। जब आप गुरु जी के साथ होते हैं, अपने गुणीजनों के साथ होते हैं, तब आपको मालूम चलता है कि कैसे भैरवी का ऋषभ बिलासखानी के ऋषभ से अलग है, कैसे यमन का गंधार और भोपाली का गंधार सेम है। ये सिमिलैरिटीज, ये डिससिमिलैरिटीज, ये बारीक बातें किताबों में नहीं लिखी हैं और न लिखी जा सकती हैं। ये चरित्र की बात है, राग के चरित्र की बात है, और राग के चरित्र से हमारा इंट्रोडक्शन गुरु कराते हैं। बगैर क्लास ज्वाइन करे जांच नहीं हो सकती। निदा फाजली साहब का बहुत मशहूर शेर ध्यान आता है मुझे, मेरे पिताजी बचपन से मुझे ये शेर सुनाते आए। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो। मेरे ख्याल से जगजीत साहब ने गाई भी है ये गजल कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है, किताबें हटा कर देखो। तो जो चीज प्रैक्टिकल है, जब प्रकृति को जानना है तो प्रकृति के नजदीक जाना पड़ता है। किताब में नहीं पढ़ सकते कि मानसून ऐसा होता है, बारिश में नहाए नहीं तो कैसे जाना कि मानसून कैसा होता है, धूप झेली नहीं तो कैसे जाना कि टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसकी पीक पे अगर वो पहुंचे तो उसकी तासीर क्या बनती है। तो जो चीज प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकली ही उतरी जाती है। ऑफकोर्स मैं ऑनलाइन क्लास सजेस्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं हजारों बार ये चीज मैं खुद एडमिट करता हूं कि ऑफलाइन से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन ऑनलाइन एक सेकेंड ऑल्टरनेट तो है। एटलीस्ट ये कर सकते हैं आप कि ऑनलाइन जुड़ जाइए किसी गुणीजन से, मुझसे मत जुड़िए, किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़िए, भले ही जो आपको लगता है कि थोड़ा ढंग का सिखा रहा है उससे जुड़ जाओ। मुझसे अगर आपको लगता है कि नहीं, नॉलेज इनकी अच्छी नहीं है, या इनसे मैं नहीं सीखना चाहता, इनका तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उनसे जुड़ जाओ, लेकिन जुड़ो ज़रूर। ये किताबें मंगाकर इकट्ठी करके कुछ नहीं हो जाएगा, नोटेशंस मंगाकर इकट्ठा करके कुछ नहीं हो जाएगा, डायरियां भरेंगी, किताबें भरेंगी, यहां नहीं भरेगा, ये खाली का खाली रहेगा। मेरे पास भी बहुत सारा मटेरियल है जो लिखा हुआ है, मैं अपने दादा गुरुजी की बंदिशें लिखी हुई हैं उसमें, आलापताने लिखे हुए हैं, बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। तबला मैंने सीखा विधिवत अपने तबला के गुरुजी से, पंडित रामकृष्ण बोस जी से, उदयपुर में ही राजस्थान में, उनका बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। वो अगर क्रियात्मक रूप से मेरे हाथ से या गले से, पाँव से, कथक के रूप में अगर नहीं निकलता है तो वो मटेरियल किताबों में धूल खाएगा और बिना उस अभ्यास के विद्या का विनाश हो जाएगा, और बिना उस विद्या के अभ्यास के जांच के वो मेरा अभ्यास भी निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं उसका। तो किताबों से जो आप सीख रहे हो वो क्लास में जाके गुरुजी को जांच भी करानी होती है। तो ये कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है समझना, लेकिन फिर भी कई लोगों से ये पॉइंट चूक जाता है कि वो किताबें जरूर मंगा लेते हैं, जाकर खरीद लाएंगे। जैसे मेरे इंग्लिश के प्रोफेसर कहा करते थे कि इसे समझना नहीं समझाना कहते हैं, ये उनका एक जुमला था, एक डायलॉग था, वो बोला करते थे। होता ही हूँ क्योंकि मैंने इंग्लिश ऑनर्स करी है, तो वो ग्रेजुएशन में, तो तब उन्होंने मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर का प्ले ड्रामा जो है, या ऐसी कई पोएम्स जो ऑस्कर वाइल्ड की, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ड्रामास, या प्लेज, या यू नो उनके सोनेट्स पढ़ाते थे सर जब हमें, तो महेंद्र उनका नाम है, महेंद्र पुरोहित, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ही हैज़ चेंज्ड मेनी ऑफ माई परस्पेक्टिव्स, कि नज़रिए बदले उन्होंने मेरे, तो वो ज्ञान की वजह से, वो ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, तो उन्होंने खैर मुझे ये चीज़ हमें ये कहा करते थे जब कोई वो प्ले पढ़ाया करते थे, और हम कहते थे कोई बात हमें समझ नहीं आती थी कि यार ये ऐसी क्यों लाइन लिखी है, इसका अर्थ क्या निकलेगा, तो वो जब उसको समझा देते थे और हम लोग ही करते थे वो हाँ समझ आया, तब सर अक्सर ये कहा करते थे कि बेटा इसे समझना नहीं समझाना कहते। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, मैंने कहा हाँ ये सत्य बात है, खुद से उसका अध्ययन करना इसके काबिल भी हमें गुरु ही बनाता है। बड़े बड़े गुणी जनों की बंदिशें अगर आज मुझे समझ आती हैं
तो इसमें कमाल मेरा नहीं है, कमाल है उन गुरुओं का जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, इतना तैयार किया कि मैं वो बारीकी देख पाऊँ। अगर मैं कोई आज कविता या कोई गज़ल उठाता हूँ तो उसका अर्थ मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आता है अपनी बुद्धि अपने अनुभव अनुसार। उसकी वजह यह है कि मैंने कई गज़लों के अनुवाद, कई भजनों के, कई गीतों के अर्थ अपने पिताजी से, अपने गुरुओं से जाने सीखे हैं। तब जाके मैं इस काबिल बनाऊँ कि वो किताबें या वो नया टेक्स्ट मेरे लिए हेल्पफुल है। उसी तरह से आप भी अगर चाहते हैं कि कोई किताब आप उठाएं और वो बंदिश आप तैयार कर लें या वो चीज़ आप समझ लें, उसके लिए क्लास में आकर गुरुओं के सानिध्य में रहिए और बेसिक अपना तैयार कीजिए, इतनी बुद्धि तैयार कीजिए कि कोई भी नया टेक्स्ट आपके लिए नया न लगे, अनफेमिलियर ना हो वो बात, ऐसा लगे कि हाँ ये तो मुझे मालूम है, ये तुरंत उसका जो डिकोडिंग है वो आप कर पाएँ, तुरंत उसका एनालिसिस आप कर पाएँ। तो वो तभी हो पाएगा जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे, सिर्फ किताबों के सहारे नहीं रहेंगे, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है। मैं अपने आप को गुरु नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपने आप को गाइड ही बोलता हूँ कि भैया मैंने जो कुछ सीखा है मैं वो हेल्प करूँगा आप सभी लोगों तक। लेकिन अगर आप किसी अच्छे गुरु के पास भी जाते हैं ऑफलाइन तो भी बहुत बढ़िया, वो ज़्यादा बढ़िया, लेकिन अगर वहाँ मौका नहीं लग पा रहा है तो ऑनलाइन आ जाओ, एटलीस्ट दिस यू कैन डू, है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से इतनी कोई बड़ी बात है नहीं समझने के लिए, परिवर्तन इतना ज़्यादा आ भी नहीं जाएगा ये भी मैं जानता हूँ मेरे ये बात कह देने से, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये ओपिनियन अपना रखना चाहिए इंटरनेट पर आप लोगों के सामने, क्योंकि आप और मैं स्टूडेंट्स हैं तो ये चीज़ हमें एक दूसरे के साथ साझा करनी चाहिए कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, गुरु संगति कितनी इंपॉर्टेंट है, किताबें भी अहम हैं, किताबों से स्वाध्याय होता है, लेकिन स्वाध्याय के काबिल बनाने वाले गुरु का अध्ययन उनके सानिध्य में सबसे पहले ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्द मिलते हैं।